नए जरी कवानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज जहां जारी और आज 10वें दिन भी दाखिल हुआ है। आज किसान नुमाइंदों और हुकूमत के बीच 5वें दौर की बातचीत होगी। हुकूमत के रवैये में जहां कुछ नरमी दिखाई दे रहे हैं, वहीं एहतजाज कर रहे किसानों के रवैये में हर नए दिन के साथ ही शिद्दत बढ़ती जा रही है और उनका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। किसानों ने जहां पहले ही 8 दिसंबर को मुल्कगीर बंद की कॉल दी है, वहीं उन्होंने कानून को वापस लेने की भी मांग की है। किसानों का कहना है कि अगर नए जरी कानून को वापस नहीं लिया जाए तो वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। हमने तो तैयारी बहुत लंबे समय से करके सरकार को लिखती तौर पे मांग पत्र दे दिए। जितनी बार भी बातचीत हुई उस बातचीत में भी हमने तो मतलब के सारे जो हमारे मुद्दे थे हमने पॉइंट बाय पॉइंट कर लिया। और जो परसों 3 तारीख को बातचीत हुई उससे पहली मीटिंग में ये हुआ, उस तारीख में हुआ था पहली में 1 तारीख को कि आप ये जो मांग पत्र दिया है इन सभी बिंदुओं पर आप हमें बताएं कि इन कानूनों में क्या कमी। अरे भाई 3 तारीख को हमने एक एक बिंदु पर चर्चा करके उनको बता दिया, वो मान गए कि हाँ इस कानून में कमी है, हम संशोधन करेंगे। लेकिन हम लोग संशोधन पर मानने वाले नहीं हैं और आप ही के चैनल कल जो सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल के चेयरमैन है अमित दुबे जी, उनके घर पर जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने सरकार को जो आग्रह किया कि ये जो आपने कानून बनाया है ये किसानों के हित में नहीं है, ये कोर्टों को भी दरकिनार करता है, इसलिए ना ये किसानों के हित में ना किसी देश के किसी भी वर्ग के हित में। हाँ एक के जरूर है, वो है कारपोरेट, उनके हित में है, उनके बगैर और किसी के हित में। क्यों बाकी जो ये गलत कानून जो मान चुके हैं तो उन पर क्यों नहीं? हमने स्पष्ट कर दिया था परसों 3 तारीख को कि अगली बातचीत मंत्री जी करने का तब फायदा है जेकर आप लोग हमारी जो मांगे हैं 3 कानून जो काले कानून है इनको वापस करोगे तो हम बातचीत का आने को लिए तैयार हैं, नहीं तो क्या फायदा रोज आने का। और आज अगर आज की वार्ता अगर विफल होती है हमारी तो हम लोगों ने ये ठान लिया है कार पार की लड़ाई लड़ेंगे, हम संसद का घेराव करेंगे, बैरिकेडिंग तोड़ने का काम करेंगे और हमने अपने जनपद में भी ये रणनीति तैयार कर ली है कि हर तहसील मुख्यालय पर हम चक्का जाम करने का काम करेंगे। और जब तक हमारी ये शर्त मंजूर नहीं होती है, इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाता है, समर्थन मूल्य के साथ साथ MRP लागू नहीं किया जाता है, तब तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। चाहे हमें अपनी जान की बाजी कुर्बानी करनी पड़े और चाहे हमें चक्का जाम करना पड़े, चाहे हमें आत्महत्या करने तक मजबूर होना पड़े। सरकार से हमें उम्मीद है कि सरकार किसानों की तरफ जरा सोचे, अगर नहीं सोचती है और हम ये चाहते हैं सरकार से, हमारी ये आग्रह करते हैं सरकार से कि खुले मंच से मीडिया के मीडिया भी इन्वॉल्व हो और मीडिया के सामने खुले मंच से जो वार्ता करें और ओपन करके करें, बंद कमरे में ये हम नहीं चाहते कि किसानों के साथ बंद कमरे में कोई बात हो। अगर ऐसा नहीं होता है, किसानों के पक्ष में कोई चीज नहीं आती है, सही नहीं होता है, तो हम इस उनकी काला कानून जो बनाया है उसको नहीं मानते हैं, उसके विरोध में आंदोलन करेंगे, बैरियर तोड़ेंगे, दिल्ली सदन का घेराव करेंगे और अगर इसके बाद भी यानी हम बड़ा रूप लेंगे, प्रदेश में हर मुख्यालय हर तहसील पर घेराव करने की ये रणनीति तैयार कर चुके हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लखनऊ में भी चक्का जाम करेंगे, पूरे प्रदेश को हर मुख्यालय पर बहुत बड़े रूप में एक आंदोलन करेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। बानू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में यानी सारी लड़ाई लड़ी जा रही है और उनके आदेश अनुसार ही हम ये सारी रणनीति तय करेंगे।